हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये बहुत ही हाईली डिमांडेड वीडियो रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर यूके में स्पॉन्सर्ड जॉब कैसे ली, और क्योंकि मेरी उसकी पूरी प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, जॉब मिलने से लेके सारी प्रोसेस तक का सब चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई अगस्त के एंड में समवेयर, कि मैं तो अपने डिसर्टेशन और उन सब चीजों में बिजी था, और एक दिन मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो जिस एजेंसी से मुझे कॉल आता है उस लेडी ने मुझे लिंक्डइन पर भी अप्रोच करने की कोशिश करी होती है, लेकिन मैं उन दिनों बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था लिंक्डइन या किसी भी जॉब साइट्स पर। तो फिर उस लेडी ने मुझे फोन किया और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। तो मैंने वैसे तो मना किया था कि भाई मुझे इंटरव्यू भी नहीं करना है, मैं उन दिनों इंटरेस्टेड भी नहीं था। तो फिर वो जब मुझे अवॉइड करना होता था तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र फेंकता था कि भाई कंपनी जो है वो स्पॉन्सरशिप करती है, स्पॉन्सरशिप देती है। ये लकीली इस बार ऐसा हुआ कि कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही थी, तो अब मेरे पास ज्यादा कुछ नखरे करने को था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इस बार इंटरव्यू भी दिया। तो बाय द वे मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो इंटरव्यू मैंने यहाँ पर अभी तक मैं 3 इंटरव्यू दिए हैं और अपने आईटी से रिलेटेड दिए हैं। तो मैं ये बताऊं कि भाई इंडिया में जो हम जिस तरह के इंटरव्यू लेते हैं वहां पर तो हम फिक्स पूछते रहते हैं कि भाई ये कंसेप्ट के बारे में बताओ, वो आईटी कंसेप्ट के बारे में बताओ, बहुत बहुत कुछ हो गया तो एक सिचुएशनल फिनोमिना जो है वो उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं ये जानने के लिए कि इस सिचुएशन में वो क्या करते करके। यहाँ पर लिटरली जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए अभी तक में, यहाँ पर लिटरली काम के बारे में डिस्कशन होता है, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कशन हुआ था हर इंटरव्यू के बारे में। वो पता नहीं इस तरीके से वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, और जो भी हो वो जो भी जितनी भी चीजें चेक करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर वो एक टिपिकल इंटरव्यू अभी तक तो फेस नहीं किया है किसी भी जॉब में। इवन मैंने नॉन आईटी जॉब्स के लिए भी जो मैंने इंटरव्यू किए हुए तो वहां पर भी इनका यही मुझे अप्रोच मिला है कि भाई वो आपकी प्रोफाइल आपका सीवी के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, उनकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे, एंड वो देखते हैं कि भाई क्या आप इस रोल के लिए कितने सुटेबल होते हैं। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कहें कि बहुत ही अच्छा हुआ था, एंड काइंड ऑफ मुझे भी डिस्कशन करके अच्छा लगा था, क्योंकि काफी दिनों बाद या काफी टाइम बाद मैंने एक प्रैक्टिकल और रियल डिस्कशन करी थी रिगार्डिंग आईटी किसी के साथ। फिर एक दिन मेरे को आता है कि भाई मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर गया हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बाद ही उन्होंने मुझे ऑफर देने की बात कर दी थी, उनको आगे और डिस्कशन वगैरह करना नहीं था, लेकिन मुझे करना था। मेरा ये था कि भाई मुझे एटलीस्ट एक बार कंपनी देखनी है, क्योंकि वहीं जाके मुझे काम करना है, मुझे अपने एम्प्लॉयर को कहें कि फेस टू फेस मिलना है। हालांकि हमारा वीडियो कॉल ही हुआ था इंटरव्यू का, लेकिन मैंने कहा मुझे फेस टू फेस बात करनी है। तो फिर मैं गया हूँ, कंपनी मैंने देखी थी, वहां पर भी सेम डिस्कशन हुआ, वहां पर अगेन 3 घंटे तक का मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ, अगेन ऑलमोस्ट सेम चीज है। फिर एचआर से रिलेटेड टर्म्स में भी बात हुई थी, और स्पॉन्सरशिप के भी जो हमारे बीच के जो टर्म्स तय हुए थे उसके बारे में भी सब डिटेल में बात हुई थी उस मीटिंग में। तो स्पॉन्सरशिप के बारे में डिसाइड ये हुआ था कि जितनी भी कॉस्ट आएगी स्पॉन्सरशिप की हम 50-50 बेयर करेंगे, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो होंगे, यानी जो वकील के भी जो भी चार्जेस होंगे या दूसरे भी इस तरह के जो भी चार्जेस होंगे, वो कंपनी बेयर करेगी कंप्लीटली। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट की बात करूँ ना, तो 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में ये कॉस्ट बैठती है स्पॉन्सरशिप की। तो इसका हमें 50-50 करने का हमारे बीच डिसाइड हुआ था। हालांकि मेरा जो ऑक्यूपेशन है या मेरी जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है, तो थोड़ा हमको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं होता है। तो भी यानी मेरे हिस्से में 3,500 आने थे, यानी 3,500,000 की कॉस्ट मेरे को होने वाली थी, और ये 5 साल का वीजा की हम बात करें। यहाँ भी बाय द वे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम 3 साल के वीजा के लिए जा सकते थे या हम 5 साल के वीजा के लिए जा सकते थे। तो कंपनी की शर्त ये थी कि 3 साल तक की स्पॉन्सरशिप तो हम दे देंगे आपको, उसमें हम 50-50 बैर करेंगे, लेकिन अगर आपको 5 साल का चाहिए तो वो जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो मुझे पे करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्योंकि वो एडिशनल में 700 pounds ही बैठ रही थी, ज्यादा नहीं बैठ रही थी 2 साल का, मैंने कहा 700 में दे दूंगा एक्स्ट्रा, वो कोई बड़ी बात नहीं। इन शॉर्ट वो क्या कहते हैं, जब ये ऐसे सैलरी नेगोशिएशन और ये जब मनी नेगोशिएशन होता है ना, तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं इसमें और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो इतने अच्छे नेगोशिएटर नहीं होते। तो दोस्तों ये थी मेरी अभी तक की ये जॉब मिलने की कहानी। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये हुआ है कि ये जॉब मेरी झोली में आके गिरी थी, मैंने इस जॉब के लिए कोई मेहनत नहीं करी थी, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या जो भी आप बोल रहे उसके बेस पर ही मुझे ये जॉब मिली थी। तो अब जॉब शुरू करी मैंने, धीरे धीरे सब चीज़ें समझना शुरू करी, और जो है स्किल्ड वीजा की प्रोसेस हमने शुरू करी। तो अगेन किसी लंदन की किसी एक फॉर्म के साथ इनका टाइप हो रखा था, तो वहां से रेगुलर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। मुझे पूरे प्रोसेस के बारे में जो बताया गया वो यही था कि भाई डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मेरे यहाँ पर लगने वाला था, तो बीआरपी कार्ड और ऑफर लेटर, उसमें क्लियरली सब मेंशन होना चाहिए आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कौन से रोल पे काम करने वाले हो, क्योंकि हर चीज जो है वो यूके गवर्नमेंट को या यूके वीआई को सबमिट होने वाली होती है। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, आपका रोल वगैरह सब चीजें वगैरह आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, एंड वो आपको अप्रूव एक्चुअल देना पड़ता है कि हाँ भाई ये जितनी भी चीजें लिखी है ये सब सही लिखी है। इसके अलावा
अगर मेरी पर्सनल डिटेल्स में बात करी जाए तो मेरे को मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देने की है, अगर मैंने किसी दूसरी कंट्री में जॉब करी हो तो वहां के वर्क हिस्ट्री या वो जहां के जो भी पेपर्स है वो देने होते हैं। अब इसके बाद जो मेरे यहाँ पर जो अटक रहा था वो ये अटक रहा था कि मेरी अभी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, आई मीन सबमिशन वगैरह सब मैं कर चुका था लेकिन रिजल्ट आना बाकी था और डिग्री सर्टिफिकेट तो अभी भी आना बाकी है। तो खैर वो डिग्री सर्टिफिकेट और वो सब आना बाकी था, तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन जाते थे कि भाई अब क्या हम किस बेस पे यहाँ पर वीजा एप्लीकेशन करेंगे, ये टियर टू वाली, क्या मैं मेरे बैचलर के बेस पे करूंगा या फिर मैं अपना जो मास्टर डिग्री जो मैंने यूके से कंप्लीट करी है उसके बेस पर मैं करूंगा। तो क्योंकि ये चीज खत्म नहीं हुई थी तो हमारा ये डिसाइड हुआ था कि भाई हमारी मेरी जो इंडिया में जो डिग्री रही है उसके बेस पे करनी है। अब यहाँ पर एक कैच ये है कि अगर आपकी डिग्री जो है वो आपने इंग्लिश मीडियम में किसी भी रीजन से नहीं करी हो, आपका जो बैचलर्स है, तो आपको एक कहें कि ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना पड़ता है। मैं लकी था कि मेरा इंजीनियरिंग जो है वो इंग्लिश में ही हुआ है और मेरे सारे सर्टिफिकेट सब चीजें इंग्लिश में ही थी, लेकिन फिर भी वो क्योंकि यूके सर्टिफाइड नहीं है तो मुझे यहाँ पर जो है यूके वीआई आईएलटीएस जनरल देना पड़ा। तो मैंने यूके वीजा जनरल का टेस्ट दिया। इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है या कहेंगे स्किल्ड वीजा में या स्पॉन्सर्ड वीजा में जो जो आईएलटीएस की एलिजिबिलिटी रहती है वो है 4.5। आपको सिर्फ और सिर्फ कहेंगे इतने ही बैंड लाने होते हैं, मेरे तो 7 आ गए, सो मोर देन इनफ आ गए। फिर यहां से आगे शुरू होती है हमारी एक्चुअल जर्नी। अब यहां से आगे बनता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का डॉक्यूमेंट या कहेंगे वो लेटर, एक लेटर बनता है गवर्नमेंट से एसोसिएटेड कि भाई हम इसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं और ये उसका रोल है, ये उसकी सैलरी रहेगी, इस एड्रेस पे वो रहता है और इस एड्रेस पे वो आके काम करेगा। तो इन शॉर्ट सब डिटेल्स होती है, कंपनी की भी डिटेल्स होती है, मेरी भी डिटेल्स होती है, मेरा बीआरपी नंबर भी होता है, मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी होता है, उसमें सब चीजें होती है। वो कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर भी COS जो बोलते हैं उसको भी मुझे अप्रूव करना रहता है और जब वो अप्रूवल हो जाए उसके बाद आपको पेमेंट करनी रहती है यूके वीआई होम ऑफिस को एंड फिर आपका 6 से 8 वीक में डिसीजन आता है। अगर आप इस पर प्रायोरिटी लेते हैं तो एडिशनल 500 पाउंड दीजिए और आपका एक हफ्ते या 10 दिन में भी आपका आपका रिजल्ट आ सकता है उसका। तो ये थी अभी तक की जो प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर करी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैंने स्पॉन्सरशिप वीजा नहीं लिया है। तो अब स्पॉन्सर्ड वीजा की सबसे बड़ी जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि आपने जिस भी एम्प्लॉयर के साथ स्पॉन्सरशिप पर आप जाएंगे आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ 3 साल या 5 साल आपको उस एम्प्लॉयर के साथ रहना पड़ेगा जब तक आपको दूसरी स्पॉन्सर्ड जॉब ना मिले। और अगर किसी भी रीजन से अगर आपने बीच में वो जॉब छोड़ दी तो आपको आपको सेटलमेंट के लिए सिर्फ 60 डेज मिलेंगे यूके में। उन 60 डेज में आपको दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढना ही पड़ेगा वो जो आपको स्पॉन्सरशिप देने तैयार हो। अगर ऐसा एम्प्लॉयर आपको नहीं मिलता है तो यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। मानता हूं कि यहाँ पर बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे, बहुत लोग मुझे कहेंगे कि ये बेवकूफी वाला डिसीजन है, तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ये वो, ये सब सच है, मैं कोई इससे इनकार नहीं करता। पर मुझे शायद अपनी ये जो एक एम्प्लॉयर बदलने की जो फ्रीडम है या ये किसी भी तरह की जो फ्रीडम है ये मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो PSW एटलीस्ट मुझे हर तरह की ओपननेस तो देता है कि मैं चाहूं तो बिजनेस भी कर सकता हूं यहां पर। स्किल्ड वीजा में मेरे को इस तरह के कोई भी फ्रीडम नहीं मिलते हैं, मैं बस जॉब कर सकता हूं, मैं अपने पार्टनर को यहाँ पर बुला सकता हूँ। इन शॉर्ट वो वही है क्या, मैं पहले गल्फ में ऐसे फंसा हुआ था कि भाई मेरा एम्प्लॉयर जब मुझे छोड़े तब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, एंड अगेन मुझे कोई दूसरा एम्प्लॉयर मिले तो मैं वापस किसी और के साथ जॉब कर सकता हूँ। मुझे बहुत अब मेरी जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, इस तरह की तो फ्रीडम चाहिए। तो दोस्तों अब से मैं भी आप लोगों की तरह सेम रेस में हूँ, यहाँ पे अगर यूके में सेटल होना है तो उसके सेटलमेंट के ऑप्शंस मुझे ढूंढना है, अगर मुझे कनाडा का वीजा लगाना है यहाँ से या ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाना है तो अगेन अब उन सब चीज़ों के रास्ते भी मुझे यहीं से ढूंढने हैं या वही सब रेस में मैं अगेन वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी स्किल्ड वीजा की पूरी कहानी एंड आई होप कि आप लोगों ने मुझे बेवकूफ तो पाया ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो मेरे इस डिसीजन को समझे होंगे, वो जान पाए होंगे कि भाई क्यों मैंने इस वीजा को नहीं चुना और क्यों मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है लाइफ में एंड जो मेरी सेटलमेंट का जो एक जर्नी थी उसको मैंने खुद ही लंबा कर दिया है। तो ईमानदारी से बोलूंगा दोस्तों मुझे भी डर लग रहा है और बहुत सारे यहाँ पर मेरे भी मिक्स्ड इमोशंस हो रखे हैं इस वक्त, लेकिन जो है वो यही सच है। खुद के साथ झूठ बोलना या खुद को ऐसी चीज़ों में डालना जो आपके आपके नेचर के बहुत ही विपरीत हो, शायद मुझे करना सही नहीं लगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी स्किल्ड वीजा वर्कर की या टियर टू स्पॉन्सरशिप की। हाथ को आया मुंह ना लगा, लेकिन मुझे बहुत भरोसा है खुद पे कि जिंदगी में मेरा कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा यहाँ से आगे भी और इस वजह से भी।
तो दोस्तों अब मैं ज्यादा वैलिडेशन नहीं मांगूंगा आपसे या ज्यादा मुझे अपने सफाइयां नहीं देनी है। तो जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसमें आपको नॉलेज मिला है, हेल्प मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो स्पॉन्सर्ड वीजा के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे थे या जानना चाह रहे थे कि जो स्पॉन्सर्ड वीजा क्यों नहीं लेना चाहिए उन लोगों को, तो ये वीडियो आप उनको बताइएगा। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।